5 अप्रैल को रात को 2 बजे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के आगे एक डीसीएम ट्रक को कुछ व्यक्तियों ने आकर उसको लूट लिया और उसमें 45 फ्रिज थे, वो ट्रक को लेकर सामान को लेकर फरार हो गए। उसमें आज गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी साउथ सर्विलेंस टीम की टीम ने बहुत अच्छा काम करके अनावरण किया है। इसमें घटना में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है सुरेश कुमार यादव, मुकेश कुमार तिवारी, अमन शर्मा, सूरज मिश्रा और अश्विनी कुमार सिंह। इन्होंने एक बोलेरो यूज़ की थी जो ट्रक के पास रोकी थी, उसके बाद खटखटाए, ड्राइवर सो रहा था, उसको उठाए और उसके ऊपर हावी हो गए और फिर ट्रक लेकर फरार हो गए थे। इस घटना में जो प्रयुक्त बोलेरो थी वो भी हमारे पास है, रिकवर हो चुकी है। इसके अलावा एक नाजायज़ तमंचा, 12 बोर मई, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 28 गोदरेज के फ्रिज बरामद हुए हैं। इसमें इनका मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। इनका कोई पूर्व में भी ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है कि ये लगा है, इससे पहले भी हाईवे पर इस तरीके घटनाओं को अंजाम दिए क्या? ये गैंग एक एटीएम क्लोनिंग के लिए कुछ मुकदमे सामने आए हैं। इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास अभी चेक किया जा रहा है। इन लोगों ने मोबाइल लूट में भी एक जेल गए हैं, तो इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये एक कनेक्टेड गैंग की तरफ काम करते हैं, ये एक लोकल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो इस पूरी गैंग को आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।